हेलो, आपके सामने कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन कीजिए, कई बार ये क्वेश्चन जेई में भी आया है, नीट में आया है और 11th के लिए तो इम्पोर्टेंट है, फॉर कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए भी इम्पोर्टेंट है। डिस्टिंग्विश बिटवीन ए फोटोन एंड क्वांटम। क्वांटम क्या है? क्वांटम इज ए बंडल ऑफ एनर्जी ऑफ ए डेफिनेट मैग्नेटिक इज इक्वल टू एच न्यू, यही क्वांटम है। फोटोन क्या है? फोटोन इज क्वांटम ऑफ एनर्जी एसोसिएटेड विथ लाइट ओनली, लाइट को रिप्रेजेंट करता है। ओके ओके, तो ये हो गया एक फोटोन और एक क्वांटम का डेफिनेशन। व्हाट टाइप ऑफ मेटल्स आर यूज इन फोटोइलेक्ट्रिक सेल्स? गिव वन एग्जांपल। फोटोइलेक्ट्रिक सेल्स में आपको मालूम ही है लोवेस्ट डायनेशन एंथैल्पी वाले मेटल होते हैं। वन इज एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन रिगार्डेड एज जीरो, यानी द एनर्जी ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इज रिगार्डेड एज जीरो व्हेन इट इज एट इनफाइनाइट डिस्टेंस फ्रॉम द न्यूक्लियस। न्यूक्लियस से दूर होगा तो जीरो होगा। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द नोटेशन एल एंड एल? एल एजीमुथल क्वांटम नंबर हो जाएगा, सेकेंडरी क्वांटम नंबर, एजीमुथल क्वांटम नंबर। और एल, कैपिटल एल मतलब हो गया सेकेंड एनर्जी लेवल, एन इजल टू टू, सेकेंड सेल, सेकेंड सेल। गिव एन एग्जाम्पल ऑफ ए मॉलिक्यूल इन विच द रेशियो ऑफ द मॉलिक्यूलर फॉर्मूला इज सिक्स टाइम्स द एम्पिरिकल फॉर्मूला। तो CH2 है, इसका सिक्स टाइम्स C6H12, वो सिक्स हो जाएगा। या बेंजीन भी ले सकते हैं, बेंजीन भी ले सकते हैं। हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स इन एन एटम मे हैव द फॉलोइंग क्वांटम नंबर्स? एन इजकल टू फोर है, एम इजकल एम ये एस इजकल टू माइनस हाफ है, एल इजकल टू थ्री है, इजकल टू जीरो है। फोर होगा, माइनस हाफ होगा तो 16 इलेक्ट्रॉन हो जाएगा, हाफ 32 का आधा 16। और एन इजकल टू थ्री है तो एल इजकल टू जीरो हो जाएगा, एम इजकल टू जीरो, तो इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएगा? दो हो जाएगा, प्लस माइनस हाफ, दो इलेक्ट्रॉन हो जाएगा। इस तरह से कुछ न्यूमेरिकल भी आपके सामने, ये रहा, ये भी काफी इंपॉर्टेंट रिएक्शन न्यूमेरिकल है जो आप एक दो बार प्रैक्टिस करेंगे तो समझ में आ जाएगा। सॉल्यूशन भी इसके साथ दिया गया है, इसको प्रैक्टिस कीजिए। तो ये क्वेश्चंस हैं आपके सामने, ठीक है, क्वेश्चन की प्रैक्टिस कीजिए, समझ में आपको आ जाएगा। ठीक है, ये हो गया आपको कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके सामने, जो प्रैक्टिस करेंगे तो समझ में आ जाएगा। और इंडिविजुअल टॉपिक का भी हमने बना रखा है वीडियो, तो वो भी आप देख सकते हैं टॉपिक वाइज। ये क्वेश्चन है थोड़ा बहुत सम बेसिक कंसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री का एंड स्ट्रक्चर ऑफ एटम का, तो ये क्वेश्चंस की प्रैक्टिस जरूर आप कीजिए, राइट। दो बार, तीन बार, चार बार प्रैक्टिस करेंगे तो आपके दिमाग में बैठेगा, अदरवाइज नहीं बैठेगा, प्रैक्टिस तो करना पड़ेगा। ओके, चलिए, तो आज की क्लास हम यही समाप्त करते हैं। फिर अगले क्लास में मुलाकात होगी कुछ नए क्वेश्चन के साथ, नए टॉपिक के साथ। ओके ओके, बाय।